प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्रदान करने के लिए हिंदी माध्यम में संचालित हो रहे सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रूपांतरित कर रही है, लेकिन शिक्षा निदेशालय को इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव ही नहीं मिल रहे। जो प्रस्ताव मिले भी हैं उनमें कोई ना कोई कमी सामने आ रही है। ऐसे में निदेशालय के पास समस्या खड़ी हो गई है कि वो स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूलों में कैसे रूपांतरित करें। जानकारी के मुताबिक निदेशालय ने सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए पिछले दिनों निर्देश दिए थे, जिसमें हर जिले को स्कूलों के प्रस्ताव भेजने के लिए अलग अलग टारगेट दिया गया। निदेशालय ने इस क्रम में 2,332 स्कूलों को रूपांतरित करने के लिए निर्णय लिया था, लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया जा सका। पूरे प्रदेश से निदेशालय को 2,332 की तुलना में 1,866 प्रस्ताव ही प्राप्त हुए, और तो और जब इन प्रस्तावों की जांच की गई तो उनमें भी काफी कमियां पाई गई। ऐसे में अब निदेशालय ने एक बार फिर जिला स्तर पर अधिकारियों को फिर से प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिए हैं।